क्या आप खाना खाने के बाद भारीपन महसूस करते हैं? इसका कारण अपच हो सकता है। पाचन से रिलेटेड समस्याएं आम लगती है, लेकिन इन्हें हल्के में लेना सेहत को भारी पड़ सकता है। पाचन से रिलेटेड समस्याएं उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। पाचन तंत्र से जुड़ी सबसे आम समस्याएं दस्त, कब्ज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में ऐंठन, गैस, मतली और हीटबर्न है। माना जाता है कि खराब पोषण, खाने से एलर्जी, कुछ मेडिसिन पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए मेडिकल में कई इलाज है, लेकिन कुछ घरेलू उपचार के जरिए भी पाचन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। दोस्तों, अच्छे पाचन के लिए खाने को सही तरह से चबाना जरूरी है। जब आप अपने भोजन को अच्छी तरह से चबाते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र के काम को आसान बनाते हैं। अपना खाना खाने के लिए समय निकाले, अपने भोजन को ठीक से और धीरे धीरे चबाए। खाना खत्म करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। फाइबर पाचन में अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों प्रकार के फाइबर, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर का सेवन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके से आपके पाचन तंत्र की मदद करते हैं। फाइबर के अच्छे सोर्स में फल, सब्जियां, गेहूं की भूसी, साबुत अनाज, नट्स और बीज शामिल है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, प्रोस्टेड या जंक फूड खाने से बचे। खूब पानी पीना आपके पाचन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पूरे दिन अपने आप को पानी और ताजे फलों के रस, नींबू पानी या नारियल पानी जैसी अन्य तरल पदार्थ में हाइड्रेट रखें। शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत ही जरूरी है। आप या तो सैर के लिए जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योगा कर सकते हैं। नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि आपके पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को स्थानांतरित करने में मदद करती है, जिससे पाचन से रिलेटेड समस्याओं की संभावना कम हो जाती है। दोस्तों, फैट आपके पाचन तंत्र के जरिए भोजन को बेहतर तरीके से निकलते हैं। अपने आहार में स्वस्थ वसा जैसे पनीर, जैतून का तेल, अंडे, नट्स, एवोकाडो और मछली को शामिल करें। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को कम करते हैं, इसलिए अपने आहार में इन सब चीजों को जरूर शामिल करें। दोस्तों, सामान्य तौर पर तनाव आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तनाव पेट के अल्सर, दस्त, कब्ज और आईबीएस जैसे पाचन विकारों में जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की जानकारी। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो को प्लीज लाइक करें और सबके साथ शेयर करें, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।